सबसे पहले दोस्तों बहुत बहुत सॉरी कि लास्ट 10-15 दिन से मैं कोई भी वीडियो का अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरा कुछ ऑफलाइन शूट चल रहे हैं, म्यूजिक वीडियो के शूट चल रहे हैं और उसकी एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन कल रात को मैं अपनी वीडियोज़ के कमेंट पढ़ रहा था, उसमें 2-3-4-10 कमेंट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कॉमन थे और मुझे लगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है शटर काउंट के ऊपर। अगर आप एक सेकेंड हैंड कैमरा बाय करते हैं तो आपको शटर काउंट चेक करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए, किस तरीके से शटर काउंट को चेक किया है, शटर काउंट होता क्या है, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले अगर आप एक सेकंड हैंड कैमरा बाय कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं शटर काउंट की, तो हर कैमरे के अंदर एक शटर दिया जाता है और हर कैमरे की एक लाइफ होती है, उसका एक टॉर्चर लेवल होता है कि वो कैमरा इतने साल चलेगा या फिर उस कैमरे से आप इतनी फोटो निकाल सकते हो, देन उसके बाद उसकी जो शार्पनेस है फोटो की कम हो जाएगी या फिर मतलब खराब ही हो जाएगी, या फिर शटर काउंट अगर उसमें दिया गया है तो क्या इतने, अगर मान लो उसके अंदर 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख शटर काउंट दिया गया है तो इतनी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद क्या वो कैमरा रन करना बंद कर देगा या फिर वो कैमरा चलेगा, तो इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज अगर आप एक सेकंड हैंड कैमरा खरीदने जा रहे हो तो इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दी है, उस वीडियो को आप जाके जरूर देखो, देन उसके बाद आप इस चीज़ पे आओगे आपको शटर काउंट चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइज अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आपको ऑब्वियसली शटर काउंट चेक करना चाहिए और आज की वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप अपना अगर आप सेकेंड हैंड कैमरा बाय कर रहे हैं तो आपको शटर काउंट चेक करने के लिए बहुत ईजी मेथड है, ऐसी कोई मैं हैक्स नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ इजी मेथड है, इसको आप करके इजीली तरीके से आप अपने कैमरे का शटर काउंट चेक कर सकते हो जो कैमरा आप बाय कर रहे हो। और अगर हम बात करें कि शटर काउंट हमें चेक करना क्यों चाहिए, शटर काउंट होता क्या है, तो मैं आपको एक इजी वे में बता दूं। शटर काउंट जैसे मान लीजिए कि शटर एक कैमरे की एक लाइफ है कि वो 2.5 लाख तक फोटो खींच सकता है, तो उसी को हम काउंट कहते हैं शटर काउंट, यानी शटर आपका कितनी बार क्लोज हुआ है, कितनी बार ओपन हुआ है, कितनी बार क्लोज हुआ है, कितनी बार ओपन हुआ है, तो उस चीज़ को हम शटर काउंट कहते हैं। शटर काउंट मीन्स आप समझ ही गए होंगे, यानी कि आपके कैमरे ने अब तक कितनी फोटो को क्लिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक कैमरे की लाइफ शटर काउंट की लाइफ 2.5 लाख है और आपने उससे 2.5 लाख के अराउंड आपने पिक्चर्स को क्लिक कर ली है, देन उसके बाद जो उसकी शार्पनेस है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। और मैंने अभी अपने कैमरे से मैंने 3 साल अपने कैमरे को यूज किया, देन उसके 3 साल में मैंने काफ़ी पिक्चर्स मैंने क्लिक कर ली, क्योंकि मेरे पास काम ही है इतना कि मैं अपने हिसाब से अपनी पिक्चर्स को क्लिक कर लेता हूँ और शटर काउंट में। और हालांकि मैंने सेकंड हैंड कैमरा मैंने बहुत पहले लिया था तो तब मुझे इस चीज़ के नॉलेज नहीं था कि शटर काउंट होता क्या है, शटर काउंट चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ को मेरे को तब नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं आपको अपनी अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि शटर काउंट को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं सिंपल से ट्रिक्स में आपको बता देता हूँ किस तरह से आप अपने कैमरे का शटर काउंट चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए भैया आपको ज़रूरत पड़ेगी फोटोशॉप की, जो ईजिली किसी के भी मतलब पीसी में ईजिली इंस्टॉल रहता है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो ईजिली मतलब ये आपको सॉफ्टवेयर आराम से मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ अपने फोटोशॉप पे आ गया हूँ, को वो पिक्चर ओपन करनी है जो आपने अपने कैमरे से लेटेस्ट ली है, जिस भी फॉर्मेट में आपने ली हो उसी फॉर्मेट में उसको आप ओपन करें। तो यहाँ पे मैंने अपने कैमरे से बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं कोई भी एक पिक्चर्स आपको खोल के दिखा देता हूँ और किस तरह चेक करना है ये आपको मतलब ये आप देख लो। और ये मेथड मतलब यही मेथड आप हर तरीके से यूज करना, कोई भी पिक्चर आप अपने कैमरे से क्लिक करोगे तो सेम पिक्चर उसी फॉर्मेट में विदाउट एडिट फोटो को उसमें खोलेंगे। तो यहाँ पे सिंपली फाइल पे जाएंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी पिक्चर्स है, इसमें से मैं किसी भी एक पिक्चर्स को मतलब मैं पिक्चर्स को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं उसको आपको शटर काउंट चेक कर बता दूंगा। देन यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने देखिए यहाँ पे ये फोटो मतलब ओपन हो गई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको फाइल में ही जाना है। देन आपको यहाँ फाइल में जाके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक मिल रहा होगा फाइल इन्फो, फाइल इन्फो पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे फॉर्मेट खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पे बेसिक कैमरा डाटा ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको सीधा आपको यहाँ पे जाना सबसे नीचे रॉ डाटा पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक सर्च का आइकन होगा, आपको सर्च आइकन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे लिखना है इमेज नंबर, ध्यान सुनिए आपको लिखना है इमेज नंबर IMAGE, इमेज नंबर। मैंने यहाँ पे सिर्फ इमेज लिखा, देखिए यहाँ पे शो हो गया इमेज नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज नंबर दिखा रहा है 16589, तो यानी कि ये मेरे कैमरे का शटर काउंट है। शटर काउंट मीन्स कि मैंने मेरे कैमरे ने इतनी फोटो अब तक निकाल दी है, जब वो कंपनी से निकला था, जब उसको बंदे ने खरीदा था तब उस कैमरे ने इतनी फोटो निकाल दी, तो ये मेरे कैमरे का शटर काउंट है।
इसी मेथड से आप अपने कैमरे का शटर काउंट चेक कर सकते हैं। तो अब बात यहाँ पे आती है कि आप सेकंड हैंड कैमरा बाय करने गए हो तो दुकान पे भैया हम पीसी या लैपटॉप लेके हम घूमेंगे तो नहीं साथ में, तो हम वहाँ पे इस केस में हम कैसे चेक करें अपने कैमरे का शटर काउंट। तो जाहिर सी बात है भैया आजकल ये कैमरे लेटेस्ट हो गए हैं, आजकल तो मिररलेस का कैमरे का जमाना है, तो कैमरों में भैया जाहिर सी बात है कि वाईफाई होगा, तो उस कैमरे से एक फोटो क्लिक करिए, वाईफाई के थ्रू उस पिक्चर को अपने फ़ोन में लीजिए और उसी फॉर्मेट में आप अपने किसी फ्रेंड को सेंड करो उसको और उससे बोलो कि भैया ये मेथड है उसको पहले बता दो, और इस तरह से मतलब आप पीसी में डाल के उसको बोलो कि भैया इसका शटर काउंट हमें चेक करके बताओ। इस तरह से आप अपने कैमरे का शटर काउंट चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शटर काउंट क्या होता है, किस तरह चेक होता है, क्यों चेक करना चाहिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, और ये इतना ही मेरे पे कमेंट था। और हाँ गाइस, थोड़ा सा लेट वीडियो हो जा रही है तो उसके ऊपर आप माइंड मत करना, मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को मैं लेके आते रहूँ, और काफ़ी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसी तरह इस वीडियो को लाइक करते रहिए। और इस वीडियो का लाइक है, मैंने ज़्यादा नहीं रखा लाइक है, मैं 30 बस 30 लाइक कर दीजिए, और मुझे उस लाइक से थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और दबा दो एक बेल आइकन।